टू एसपीए स्टूडेंट्स और आज हम न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? इफ वी ऐड एसिड एंड बेस देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, इट्स कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और इसी प्रोसेस को अब हम प्रैक्टिकली करते हैं। सो फर्स्ट व्हाट वी नीड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, वी नीड अ स्टैक, अ ब्यूरेट एंड बीकर्स। तो हम एसिड और बेस के तौर पर अब क्या क्या लेने वाले हैं ये देख लेते हैं। हमने एसिड के तौर पर लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हमने वाटर में ऐड करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया है। उसके बाद हमने बेस के तौर पर लिया है सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया है। तो अभी चलिए इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे बेस रखना है स्टैंड पर, उसके बाद ब्यूरेट में अप टू जीरो हमारा एसिड डालना है। तो अभी हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं और ये चीज हमें बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ करनी है। और ये एसिड हमें अप टू जीरो रखना है, मतलब जीरो से ऊपर रखना है। याद देख सकते हैं आप कि जीरो है, इसके ऊपर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखना है। तो अभी हम इसमें बेस में ऐड करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका कलर ग्रीन हो चुका है। तो अभी हम इसको धीरे धीरे ब्यूरेट को ओपन करते हैं। तो जैसे कि हमारे डेफिनेशन के तौर पे हमें स्टार्टिंग में बोला था कि एसिड और बेस जब कंबाइन होते हैं तो मतलब यहाँ पे वाटर और साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे वाटर और साल्ट का फॉर्मेशन हो चुका है और ये दोनों सेपरेट भी हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यही थी हमारी आज की न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।